બીએઆઈની પ્રથમ એમસી જીસી મીટિંગમાં કૌશલ કિશોરજી રાજ્યમંત્રી મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન બીએઆઈના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ નિમેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આજે સ્ટીલ, પેટ્રોલ, કોલ અને મેટલ વગેરે મટીરિયલ્સમાં જે ભાવ વધારો થયો છે તેના કારણે તમામ બિલ્ડર્સ પર જે ભાર વધ્યો છે તે બાબતે બિલ્ડર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા કેન્દ્ર સરકારમાં રજૂઆત કરી રહી છે. અહેવાલ અશ્વિન લીંબાચિયા, અમદાવાદ. જે બિલ્ડર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા કા એક કાર્યક્રમ હૈ, નિમેશ પટેલજી કો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ચુના ગયા હૈ. इस संबंध में इनकी कुछ समस्याएं भी थी, मुझे इसमें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था. इनकी प्रॉब्लम में भी मैंने सुनी है और इनको कुछ राय भी मैंने देने का काम किया है. और मेरा सभी बिल्डर्स से मैंने अनुरोध किया है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, ये दिल में रख करके बात करें और उस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तरीके से खुद भी एक बेहतर बिल्डर बनेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, समस्या भी नहीं आएगी और अपना देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और भारत को हम उच्च कोटि पर दुनिया में ले जाने में सफल होंगे, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके जो हमारे बिल्डर्स बनाते हैं. आज पूरे भारत भर के 200 शहर में बिल्डर एसोसिएशन और इंडिया का सेंटर है और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी जगह के, सभी शहर के नामांकित कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर आए हुए हैं. उसके जो हाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत कपरे काल से गुजर रही है, लास्ट 6 मंथ से सीमेंट, स्टील, बिटुमिनियस, कोल, डीजल जो का जो प्राइस बहुत बढ़ा है, उसके लिए हाउसिंग मकान की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है. उसके बारे में बहुत गहन पूर्वक हम आज चर्चा करने वाले हैं और हमें कौशल किशोर जी ने वादा किया है कि आपके जो प्रॉब्लम है गरीबों को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे सस्ते मिले और सबको मिल सके, उसके आयोजन के लिए उन्होंने हमें दिल्ली में बुलाया है. तो इसके लिए मैं इस अवसर पर कौशल जी को धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी जो मेंबर पूरे भारत भर से ईस्ट, वेस्ट और साउथ से आए हैं उनसे